हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और इन्हें सारे मैसेज करने के लिए। मुझे रेगुलर आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे और रेगुलर मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं आपके लिए एक नई से नई वीडियो लेके आ रहा हूँ ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ। और मैं आप सभी लोगों के लिए एक शेंगन वीज़ा के बारे में एक ज़रूरी अपडेट लेके आया हूँ। जिन लोगों ने शेंगन वीज़ा अप्लाई कर दिया है उनके लिए भी ये बहुत बड़ा अपडेट है, और जिन जो लोग ये शेंगन वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो ये पूरी वीडियो सबसे एंड तक देखें ताकि आपको जो पूरी जानकारी पूरे अच्छे तरीके से मिल सके, कोई भी आपका स्टेप छूटे ना। और आप जो शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या जिन्होंने शेंगन वीज़ा अप्लाई कर दिया है वो पूरा अच्छी तरह से अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई करें। जो भी लोग शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और जो अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी अब इस टाइम जो है वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शेंगन वीज़ा ने एक गाइडलाइन निकाली है कि वो अभी अपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो अंटिल सितंबर के एंड तक वो अपनी अपॉइंटमेंट डिसमिस कर रहा है। तो आने वाली जो भी अपॉइंटमेंट्स आप देखना चाहते हैं, चाहे ग्रीस हो, डेनमार्क हो, आइसलैंड हो, लेटाविया हो, पोलैंड हो, रोमेनिया हो, ग्रीस हो, बुल्गेरिया हो, रोम हो, तो या स्विट्जरलैंड हो, तो आप इन कंट्री की या किसी भी कंट्री के आप जो भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं, वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम जो आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं BFS ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर जाके, तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अभी ही शेंगन वीज़ा की जो 26 कंट्रीज़ है उनका जो एक ग्रुप है, उन्होंने एक गाइडलाइन निकाली हुई है कि अंटिल सितंबर जो है उन्होंने वो अपॉइंटमेंट सभी जो है वो कैंसिल कर दी है। तो अंटिल सितंबर जो वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनके पास ऑलरेडी ही बहुत हैवी लोड आ चुका है एप्लीकेशन का, जो कि ऑलरेडी ही जुलाई और अगस्त के जो एप्लीकेशंस हैं, जुलाई अगस्त और सितंबर के जो एप्लीकेशन, उनको असिस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन अभी रिसेंटली आ चुकी हैं। तो उन सभी एप्लीकेशंस को देखते हुए उन्होंने जो है अपना जो ये डिसीजन लिया हुआ है कि वो जो भी मतलब अपॉइंटमेंट बुक है वो उनको तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर जो लोग अभी करंटली बुक करना चाहते हैं उनको लिए शायद अनेबल हो सकता है। पर ये बात है कि हम जैसे लोग हैं, जैसे नॉर्मल लोग हैं, हम जैसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो हमारे लिए दिक्कत आ सकती है। और जो रही जो एजेंट्स होते हैं, तो जैसे आपको कोई एजेंट बोलता है कि उसके पास जो है वो उस कंट्री के रिलेटेड जो है वो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, तो एजेंट क्या करते हैं आपको पता ही, एजेंट चोर तो होते हैं साले, वो मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ उन्होंने पैसे पहले से लगा के रखा होता है, उन्होंने क्या होता है बल्क में जो अपॉइंटमेंट उठा रखी होती हैं, तो वो उसमें जो है आपका नाम जो है वो एडजस्ट कर देती हैं। तो वो कुछ ऐसा करते हैं कि उनके पास कई बार बल्क में अपॉइंटमेंट होती है, तो वो उन अपॉइंटमेंट आपका नाम एडजस्ट कर देते हैं। पर आपने घबराना नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने क्या करना है, आपने ट्राई करते रहना है। इंडिया में जो है वो कुछ जगह पे कुछ BFS ग्लोबल में ये दिक्कत आ रही है, कुछ BFS ग्लोबल में ये दिक्कत नहीं आ रही है। और जो लोग जो अब्रॉड रहते हैं, मस्कट, ओमान, सऊदी अरबिया या अबू धाबी, दुबई या कतर या किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो वहां से जो है वो अपॉइंटमेंट मिलना अभी मुश्किल है, क्योंकि अंटिल सितंबर जो है वो अपॉइंटमेंट जो है बिल्कुल क्लोज हो चुकी है। और जो इंडिया में लोग रहते हैं वो भी जो अभी शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी अपना शेंगन वीज़ा के अपॉइंटमेंट पहले से बुक करके रख लीजिए और अपनी प्रोफाइल जो है वो अच्छे से रेडी कर लीजिए। बिकॉज अभी जो वो वीज़ा है, जो सेकंड में आपको गाइडलाइन जो देने जा रहा हूँ, वो वीज़ा जो अभी जल्दी से जल्दी आपको जो डिसीजन आपका प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, विद इन 15 to 20 days आपको जो है वो अभी शेंगन का डिसीजन आपको डायरेक्टली वो प्रोवाइड करवा दे रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाइए, आपको पता ही है कि शेंगन वीज़ा के लिए ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं, 80 यूरो तो आपकी वो एक फीस होती है, जो वीज़ा फीस होती है 3000 आपको जो चार्जेस देने होते हैं, वो आपको फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक के चार्जेस देने होते हैं, और 700 या 800 रुपया जो आपका लगता है वो कोरियर चार्जेस लगता है। तो टोटल ओवरऑल ये अप्रोक्सीमेटली आपके चार्जेस बैठे हैं 14,000 के आसपास। तो टोटल कॉस्ट तो शेंगन वीज़ा की, चाहे आप किसी भी कंट्री का अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, रोम हो, ग्रीस हो, और चाहे रोमेनिया हो, पोलैंड हो, तो किसी भी कंट्री का हो, तो आप जो शेंगन की 26 कंट्री हैं उसमें जो आती हैं, तो वो अप्रोक्सीमेटली चार्जेज है वो 14,000 है। और एक और बात मैं आपके नोटिस करना चाहता हूँ कि जो लोग रोम या स्विट्जरलैंड का वीज़ा अप्लाई करना जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आ सकती है, क्योंकि रोम और स्विट्जरलैंड ने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस शुरू कर दी है, तो वो वीज़ा में रिफ्यूज़ल काफ़ी हाई दे रहे हैं। तो जो लोग रोम और स्विट्जरलैंड की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेके जो डायरेक्ट जो
देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको ये रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं आपकी तरफ से यही करूंगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी जो रिजेक्शन ही लगेगी, आपकी प्रोफाइलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं, कैसे प्रोफाइलिंग लगाई है आपने। बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है उनकी नजर से, जो बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करी है, 3 मंथ की जो आपने बैंक स्टेटमेंट लगाई है उसमें कितना बैलेंस शो किया है। उनको कई बार ज्यादा बैलेंस भी नहीं शो करना पड़ता, बिल्कुल कम भी नहीं करना पड़ता, एक मिनिमम बैलेंस शो करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कितना बैलेंस शो करना पड़ता है, आप मेरे यूट्यूब पे जाके डायरेक्टली देख सकते हैं कि कितना बैंक जो है बैलेंस शो करना पड़ता है आपको शेंगेन वीजा अप्लाई करने के लिए। तो ये दो जो बड़े अपडेट को देने जा रहा था मैं आपको कि शेनिगन ने अपनी अभी करंट एप्लीकेशन जो अपॉइंटमेंट जो वो लेना बंद कर दिया है, बिकॉज ऑफ हाई डिमांड ऑफ द एप्लीकेशन ऑलरेडी दे हैव इन द जुलाई एंड अगस्त, दैट्स वाई दे क्लोज मोस्ट ऑफ द BFS ग्लोबल अपॉइंटमेंट्स फॉर द शेनिगन वीजा। सो आई विल एडवाइज यू, इफ यू गोइंग टू अप्लाई फॉर द शेनिगन वीजा, करंटली इट इज ओपन फॉर द अपॉइंटमेंट, यू कैन अप्लाई एज सून एज बिफोर इट्स गोइंग टू बी द क्लोज। सो गाइज आपने घबराना नहीं है, आप अभी बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, अभी बुक करके रख लीजिए। और आपको पता ही है जैसे अभी नेबर्स कंट्री जो बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया, इन कंट्रीज में जो है वो अपॉइंटमेंट अभी बंद हो चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ डेज में इंडिया में भी बंद हो जाए। तो आप पहले ही जो अपना अपॉइंटमेंट बुक करके रख लीजिए, कोविड के बाद जो है वो आपकी जो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन है वो काफ़ी हट गई हैं, अभी आप इजीली थोड़ा ट्रेवल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। पर कोविड दोबारा से इंक्रीज हो रहा है और कुछ कंट्रीज जो है वो इसको मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से ले रही हैं, तो मतलब धीरे धीरे मतलब कई बार ये कम हो रहा है, कई बार ज़्यादा हो रहा है। तो मैं आपको अपनी तरफ से यही राय दूंगा कि आप जैसे शनिगन ट्रेवल कर रहे हैं तो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूर कैरी करें, और आप कोशिश करें कि आपको थर्ड डोज जो है वो लगी हो, क्योंकि अभी वो धीरे धीरे थर्ड डोज भी आपकी चेक करने लग पड़े हैं। तो अपना का जो वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो जरूर कैरी करें, और उसमें थर्ड डोज जो है वो मेंशन होनी ही चाहिए, तो वो सबसे बड़ी बात है। और जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छे से तैयार करनी है आपकी, और रोम और स्विट्जरलैंड को छोड़ के आप जो इजीली वीजा लेना चाहते हैं वो सबसे इजी जो है वो ग्रीस है। ग्रीस के लिए आप इजीली वीजा अप्लाई करके अपना जो है वो वीजा जो है वो ले सकते हैं। तो ये तो आज का मेरा वीडियो, तो इस वीडियो में आपको ये सबसे बड़ा अपडेट देना चाहता था कि जो शेंगेन वीजा ने गाइडलाइन जो निकाली हुई है कि वो जो है वो अपॉइंटमेंट जो है वो बंद कर रहा है अंटिल सितंबर बिकॉज ऑफ द हैवी डिमांड ऑफ द एप्लीकेशन। उनके पास ऑलरेडी ही लाखों के हिसाब से जो है वो एप्लीकेशंस आ चुकी हैं उनके पास, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा और असिस्टेंस नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने, और ऊपर से जो है वो एक और क्राइसिस जो है वो यूरोप में स्टार्ट हो चुका है, वो है होटल स्टाफ का। तो धीरे धीरे जो होटल के कर्मचारी हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़े क्राइसिस चल रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो होटल में मतलब जो फुल हैं, तो उसकी वजह से भी शेनिगन को एक फर्क पड़ा है। तो आपको पता ही, आप टूरिस्ट पे जा रहे हैं तो आप घूमने जा रहे हैं तो आप होटल में रुकेंगे, तो होटल इंडस्ट्री जो है वो उसको काफ़ी जो फर्क पड़ रहा है उसकी वजह से भी, तो उसकी वजह से भी जो ज़्यादा एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने एक मिनिमम कोटा रखा हुआ है कि मतलब वो पर मंथ जो इतने ही एप्लीकेशन वीज़ा जो है वो इशू करेंगे पर कंट्री के हिसाब से। तो आपको मैं इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया था। तो गाइस आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वारी आपको कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, आपकी तरह एक ट्रैवल हूँ जो आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन हमेशा प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ। थैंक यू गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।